Now, children, let's move on to the next chapter, which is chapter number 54, and the name is Great Explorers. So, here we are going to learn about different explorers. Read the clues and find, fill in the names of the explorers. So, यहाँ पे कुछ clues दिए गए हैं, उन्हें पढ़ना है और explorers के नाम आपको बताने हैं. Take help from the need help box. So, need help box आपकी मदद के लिए दिया गया है. First one is one of the most successful Portuguese explorer. ये काफी ज़्यादा successful Portuguese explorer हैं in the European age of discovery. European age of discovery में and the commander of the first ship to sail directly from यूरोप टू इंडिया. और ये कमांडर थे जो पहली शिप आई थी यूरोप से इंडिया, उसके कमांडर भी रह चुके हैं ये. हिज बॉडी वॉज फाइंड बरीड इन इंडिया एट सेंट फ्रांसिस चर्च. इनकी जो बॉडी है उसे ऐसा कहा जाता है कि उसे दफनाया गया है सेंट फ्रांसिस चर्च, जो कि इंडिया में है, फोर्ट कोची. एंड ही इज वास्को द गामा. सेकेंड वन, द फर्स्ट इंग्लिश मैन हु सक्सेसफुली सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड. ये पहले ऐसे इंग्लिश पर्सन थे, इंग्लिश मैन थे, जिन्होंने पूरी दुनिया की सैर की, सेल किया था. हिज एक्सप्लॉइट्स वो सेमी लेजेंडरी एंड मेड हिम अ हीरो टू द इंग्लिश. इनके जो एक्सप्लॉइट्स थे वो काफ़ी सेमी लेजेंडरी थे और ये हीरो बन गए थे इंग्लिश इनके जो कम्युनिटी थी उसमें. बट टू द स्पैनिश यार्ड्स ही वॉज इक्वेटेड विथ अ डेविल. लेकिन स्पेनी यार्ड्स इन्हें जो है डेविल से कंपेयर करते थे. ही इज सर फ्रांसिस ड्रेक. थर्ड वन, टुगेदर विथ हिज फादर निकोलो एंड हिज अंकल मफियो. ये जो पर्सन है ये अपने अंकल, अपने फादर निकोलो और अंकल मफियो के साथ, दिस वियतनाम एक्सप्लोरर, वियतनियन एक्सप्लोरर वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वेस्टर्नर्स टू ट्रैवल टू द सिल्क रोड टू चाइना एंड विजिट द ग्रेट कुबाली खान. तो ये पहले वियतनाम थे जिन्होंने क्या किया था, पहला वेस्टर्न रूट लिया था, सिल्क रूट लिया था चाइना के लिए, और ये कुबाली खान से मिले थे. एंड ही इज मार्को पोलो. फोर्थ वन, हिज वॉयज लेड टू जनरल यूरोपियन अवेयरनेस. इनका जो ये जर्नी था, वॉयज था, ये जनरल यूरोपियन अवेयरनेस की तरफ ले जाता था ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन कल्चर्स. और ये सब क्या था, ये एक सक्सेसफुल अचीवमेंट था यूरोपियन कल्चर की तरफ इन द न्यू वर्ल्ड. ही मेड हिज वॉयज विथ थ्री शिप्स. इन्होंने तीन शिप्स के साथ अपनी जर्नी को कंप्लीट किया था एंड शिप्स के नाम है सांता मरिया, नीना एंड पिंटा. एंड ही वॉज क्रिस्टोफर कोलंबस. सिमिलरली फिफ्थ वन इज अ पोर्चुगीज बॉर्न मैरी टाइम एक्सप्लोरर. ये पोर्चुगीज में पैदा हुए थे ये. एंड Who tried to find the westward route to the Spice Island? इन्होंने westward route ढूंढने की काफ़ी कोशिश की थी Spice Island के लिए of Indonesia. National passage between the Pacific and the Atlantic Oceans is named after him. So ये जो National passage है Pacific और Atlantic Ocean के बीच में, उसका नाम इनके नाम पर ही पड़ा है. So what is his name, children? You have to find out yourself. Next, sixth one. A Portuguese explorer who sailed around the southern tip of Africa. ये एक Portuguese explorer हैं जो southern tip Africa का जो है वहाँ तक sail करके गए थे 1488 में and became the first European to do so. और ये पहले European थे ऐसा करने वाले. He gave the Cape of Good Hope a new name. इन्होंने Cape of Good Hope को एक नया नाम दिया था as a Cape of Storms. और इसे क्या नाम दिया था, Cape of Storms. So what is his name, children? Find out and write it here. Seventh one, after becoming the first to conquer Mount Everest together with Tenzing Norgay. Tenzing Norgay के साथ इन्होंने Mount Everest को पहली बार conquer किया था. He climbed 10 other peaks in the Himalayas. इन्होंने 10 और peaks की चढ़ाई की थी हिमालयाज में. On further visits and led एन एक्सपेडिशन टू साउथ पोल. और साउथ पोल की तरफ गए थे एक्सपेडिशन पे इन 1958 एंड अ जेट बोट एक्सपेडिशन फ्रॉम द माउथ ऑफ गंगेज. और जेट बोट एक्सपेडिशन पे भी गए थे गंगा रिवर के थ्रू इन 1977. वॉट इज हिज नेम, चिल्ड्रेन? सो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड फ्रॉम द नीड हेल्प बॉक्स. हियर यू कैन ऑल्सो सी द पिक्चर ऑफ मार्को पोलो, फर्निनैंड मगेलो,
Vasco da Gama, Sir Edmund Hillary, and Bartolo Mollo Diaz. So these are the pictures of these famous explorers. I hope, children, it's clear to you.